मैं इसके पहले भी आया था, मैडम को भी मैं धन्यवाद देता हूं, प्रमुख मैडम को अभिनंदन करता हूं, वो तमाम लोगों को मैं दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और बच्चे के जो पेरेंट्स यहां आए हैं, गार्जियन हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह प्रेरित अपने बच्चों को करते रहिए। स्कूल का भी दुआ करता हूं, बच्चों का भी दुआ करता हूं कि आप लोग सेहतमंद रहिए और हौसला को बढ़ाइए। मैं गार्जियन से जरूर कहूंगा कि आप दो वक्त अगर तीन वक्त खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, दो रोटी कम खाइए, अपने फैसिलिटीज को कम जरूर कीजिए, लेकिन बच्चों को तालीम दीजिए, और तालीम देना, पढ़ाना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और स्कूल में तो बच्चे डायरेक्टर साहब का देखिए 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी समय तो आप लोग के बीच में बच्चे रहते हैं। हमारा भी दायित्व बनता है, हम पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, और बच्चे जो पढ़ते हैं वही ऊपर जाते हैं। ज्ञान कभी कोई बांट नहीं सकता है, ज्ञान जो होता है वो सर्वोपरि है, और ज्ञान देने वाला लड़का चाहे जिस समाज का हो, चाहे वो अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति का ही बच्चा क्यों ना हो, अगर पढ़ाई है तो उसके माँ बाप को भी इस स्टेज पर ले आकर और माला जरूर पहनाने का काम करेगा, सम्मानित करने का काम करेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। इसलिए तमाम बच्चों को आप लोग बुलंदियों से पढ़िए, हौसला को अफजाई कीजिए। मैं तो इस स्कूल के लिए मैं बढ़ा गया हूँ, मेरे मन में मैं तो सोच रहा था कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के बीच आपका प्यार खींच कर लाया और मैं आ गया, और आया तो मैं कहता हूं हमेशा कि जहां मेरी जरूरत हो, इस स्कूल के लिए, इस व्यवस्था के लिए जहां हमारी आवश्यकता हो, वहां हमारे लिए आपका स्कूल के लिए मैं हमेशा निछावर कर दूंगा। जहां हमारी समय की जरूरत है मैं आपके साथ चलूंगा, जो व्यवस्था लेना हो वो व्यवस्था मैं दूंगा और दिलवाने का काम करूंगा। मैं अभी विधायक और मंत्री तो नहीं हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपने जो प्यार और आशीर्वाद जो 2000 में हमको दिया, मैं विश्वास करता हूं यहाँ से जो बच्चे निकल कर जाएंगे वो कोई ना कोई बच्चा इस साल के धरती का, इस साल का नाम रोशन जरूर करेगा, ऐतिहासिक नाम करेगा, अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। इसी बच्चों में हर तरह के उनके अंदर जज्बा जो है, उनको मंजिल जो पाने का जो ललसा है वो छुपा हुआ है। मैं समझता हूँ बेटी और बेटा जो इस स्कूल के बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं छात्र और छात्राएं, वो आने वाला समय में जरूर आप ऐसा पढ़कर दिखाएं कि सारण में कोई डीएम और कोई एसपी बनेगा तो ये सारण का नाम रोशन होगा और एपीएस स्कूल का नाम रोशन होगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों को, मैं अपने बच्चों को भी कहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, पंख होने से नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं, हौसलों से उड़ान होते हैं।